नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारी सीरीज में मैं हूं संदीप मानोधने और यह है हमारी क्लास नंबर थर्टी नाइन आप सभी का साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास नंबर थर्टी नाइन डिफेंस टेक्नोलॉजी सुरक्षा तकनीकें में हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं कॉन्फिडेंट हैं हैप्पी हैं पॉजिटिव हैं कि भाई कुछ करके दिखाएंगे कि स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है यस और नो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले ये देखें हमने इससे पहले के दो सेशंस में क्या क्या कवर किया हमने काफी सारी टेक्नोलॉजीज की बात की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की आज उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर विश्व भर में जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कुछ बहुत ही कटिंग एच काम हो रहा है कटिंग एच का मतलब है एकदम लेटेस्ट वो अब हम देखने की कोशिश करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजीज यानी कि रक्षा तकनीकें प्यारे दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारी ये सीरीज है कल मैं आपको मेरा फाइनल शेड्यूल बता दूंगा मेरी 10 स्पेशल क्लासेस अगस्त की संडे 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 रेडी हो चुकी हैं कल आपको शेड्यूल मिल जाएगा और संडे से आप मेरे साथ सुबह साढ़े सात बजे से फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं 10 अलग अलग टॉपिक्स में कवर करूंगा एंड आई होप टू हैव ऑल योर लव एंड सपोर्ट जुलाई महीने की हमारी स्पेशल क्लास के फेस्टिवल को बहुत सपोर्ट मिला सैकड़ों बच्चों ने अटेंड किया तो जल्दी से कन्फर्म कीजिए अगस्त महीने की दस स्पेशल क्लासेस भी आप अटेंड करेंगे या नहीं कल आपको शेड्यूल दे रहा हूँ मैं ठीक है कंफर्म कर दो कि यस सर अटेंड करेंगे संडे सुबह साढ़े सात बजे से माफी चाहता हूं संडे सुबह की आपकी नींद ख़राब करने वाला हूं लेकिन जुड़ेंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा यस और नो ये हमारा सिलेबस है साइंस और टेक्नोलॉजी का आपके सामने है दोस्तों सब कुछ हम कवर कर रहे हैं थर्टी नाइन्थ क्लास पर हम आ चुके हैं यह है हमारी आज की क्लास डिफेंस टेक्नोलॉजी और साथ में साथ क्वेश्चन की मेंटी क्विज भी कल और परसों मैं आपके साथ इकोनॉमी क्रैकर के सेशन नंबर फोर्टीन और फिफ्टीन लेने वाला हूँ बराबर अटेंड कीजिएगा बहुत अच्छे टॉपिक्स होंगे यह रहा आपके सामने शेड्यूल देख लीजिए एक बार अच्छे से सो दिस इज द शेड्यूल फॉर टुमोरो एंड डे आफ्टर तीन बजे कल तो भैया सभी लोग आ रहे हैं ना और उसके अलावा मेरे अगस्त महीने के दो प्लस के कोर्स बहुत ही प्यारे कोर्स में लेकर आ रहा हूं कल उसका भी अनाउंसमेंट होगा और उसकी भी एनरोलमेंट की लिंक आपको मिलेगी एस एम सर टेन मेरा कोड है प्लस पोर्टल पर तो सभी बच्चे जोश के साथ आ गए हैं या नहीं मैं देख रहा हूं कमेंट थ्रेड में हर्ष नामदेव रोशन कुमार धवल सिंगल अमोक शर्मा पूजा रानी वरुण कुमार ढूंढ रहे हैं किसी को सपना कुमारी प्रीतम कुमार अमरीश चंचल बस अमरीश जी आपकी दुआ है इसलिए ठीक ठाक है हम तो बहुत सारे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे जुड़ गए हैं सात्कृत पाठक कल के हमारी मेंटी क्विज के वन ऑफ द टॉपर्स चंदन यादव सर मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ये हुई ना बात नेचर लवर स्वाति शर्मा हाँ सर हम जरूर आएंगे सर वरुण कुमार आस्था सिंह नागार्जुन सिंह राहुल चौहान प्रिंस बी एन प्रिंस बी एन टेक रोहित माथुर प्रिया सलूजा फैजी तरन्नुम राजाराम पटेल राहुल बांधे अक्षिता खंडेल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो शुरू करते हैं दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजीज की हमारी क्लास एस नंबर थर्टी नाइन सबसे पहले जरा इस यंत्र को इस हथियार को इस तस्वीर को गौर से देखिए चैन से सोना है तो जाग जाओ ये तस्वीर को ध्यान से देखें दोस्तों और हमें बताइए क्या लगता है आपको ये किस हथियार की तस्वीर है वॉट यू थिंक इज दिस इमेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये किस चीज को प्रतिबिंबित कर रही है तस्वीर क्या लगता है आपको अब इस तस्वीर को देखें और हमें बताएं आपको क्या लगता है ये क्या है ऐसे बहुत सारे नए 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 सैकड़ों प्रकार के हथियार आ चुके हैं आज लेकिन हम जो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक तकनीक है हाइपरसोनिक वेपन्स जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से अधिक तो आज सबसे पहले एक मिनट हम बात करेंगे ध्वनि की गति पर जैसा कि आप जानते हैं साउंड वेव और रेडियो वेव्स में एक फंडामेंटल अंतर होता है। हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स में क्या अंतर होता है जल्दी बताइए क्विज में भी कवर किया है हमने ध्वनि तरंगों और रेडियो तरंगों में एक बड़ा मूलभूत अंतर होता है इससे पहले कि मैं आपको यह साउंड वेव का हाइपरसोनिक सिस्टम समझाऊं प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स के बीच का अंतर हमें जरा जल्दी से बता दीजिए हम तो आपके उत्तर की अपेक्षा में इंतजार कर रहे हैं भैया पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं हम तो अभी तक जवाब आया नहीं है सात्कृत पाठक बोल रहे हैं सर मैं तो आठवीं कक्षा में हूं चलो भैया आई का अगला टॉपर हमको मिल गया आठवीं से पढ़ाई शुरू कर दी ये बहुत आगे जाएगा जिंदगी में आपको शुभकामनाएं हमारी साउंड वेव्स सुन सकते हैं और रेडियो वेव्स क्या कर सकते हैं सही उत्तर दीजिए हर्ष नामदेव ने दे दिया प्यारे दोस्तों साउंड वेव्स को हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है रेडियो वेव्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है यह बहुत बेसिक अंतर है मैंने काफी डिटेल में पहले पढ़ाया है अभी हम यहां ध्वनि तरंगों की बात करेंगे यानी कि साउंड वेव्स की बात समझ तो में आई भैया तो साउंड वेव्स में गैसेस लिक्विड सॉलिड सब में ध्वनि की क्या स्पीड होती है आपके सामने है एयर में इसकी आंबियन टेम्परेचर पे स्पीड 343 मीटर पर सेकंड है लिक्विड्स में और सॉलिड में स्टील में तो ये हो जाती है छः किलोमीटर प्रति सेकंड इतनी भयंकर गति पकड़ लेती है अब हम तो फिलहाल एयर की ही बात करेंगे तो ध्वनि जब एयर में मार्क वन हम मान के चलते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक वन से कम चलता है सबसोनिक मैक वन पे चलता है ट्रांसोनिक मैक वन से आगे चलता है सुपर और मैक फाइव से आगे जाता है हाइपरसोनिक रेशियो इसको कहते हैं मैक नंबर यानी उस वस्तु की गति को आपने डिवाइड किया ध्वनि की गति 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में वायुमंडल में तो उस उसपे से आता है सब सोनिक ट्रानसोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक ये याद रहेगा अच्छे से तो एक बार ये चारों शब्द कमेंट थ्रेड में फटाफट लिख दो सेशन को लाइक कर दो करके दिखाएंगे लिख दो जरा जोश दिखाओ यार भैया ऐसे कैसे चलेगा एक और तो यहाँ हाइपरसोनिक की बातें चल रही हैं और वहां जोश की हालत देखो तो सबसोनिक हो रहा है ऐसा थोड़ी होना चाहिए यार गुरु वेरी वेरी सॉरी रोहित मनमार जी आपको फोर जी मिला नहीं है आप टू जी पर ही देखने के लिए मजबूर हैं हमें बहुत खेद है कि एक साल से ये तकलीफ आपको है क्या कर सकते हैं तो प्यारे दोस्तों एक बार सारा का सारा समझा दीजिए ये क्लियर हो गया आपको ये मैंने इसलिए बताया वंस एंड फॉर ऑल कि सारे हम वेपन्स की बात करें तो भैया एक बार बेसिक चीजें तो क्लियर हो जाए अब आते हैं प्यारे दोस्तों हमारे ये हाइपरसोनिक वेपन्स पर बहुत खतरनाक हथियार हैं ये बहुत ही भयंकर खतरनाक हथियार क्योंकि ये ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलते हैं इनकी गति अगर आप प्रति घंटे में देखेंगे तो बीस हजार किलोमीटर प्रति घंटे तक की इनकी गति हो जाती है समझ में आया आपको तो अगर आप मैक फाइव पर जा रहे हैं तो मतलब थ्री फोर्टी थ्री मीटर पर सेकंड को पांच से मल्टीप्लाई कर दें प्रति सेकंड, तो एक घंटे में उसकी गति बीस हजार किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में री एंटर करने से पहले लेकिन हाइपरसोनिक वेपन्स हमेशा एटमॉस्फेयर में ही चलते हैं हमने कल आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बैलिस्टिक मिसाइलों में और क्रूज मिसाइलों में क्या अंतर होता है याद है ना आपको बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष में जाएंगी और फिर भयंकर गति से पाँच छः सात किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से नीचे आती हैं प्रति सेकेंड ना सात किलोमीटर की गति से बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है सोचिए इस प्रकार का सिस्टम चाहिए जान बचाने के लिए लेकिन ये ये हाइपरसोनिक मिसाइलें जो होती हैं, अंतरिक्ष में जाती ही नहीं ये वायुमंडल में बनी रहती हैं। समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा फर्क है तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हाइपरसोनिक वेपन्स का क्या होता है बेटा ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस और ट्रेडिशनल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंसेस के बीच में आती हैं इन हथियारों से निपटना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अंतरिक्ष की ओर देख रही है एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो एयरक्राफ्ट की गति को देख रहा है ये उन दोनों के बीच में है तो मतलब शत्रु को एक और नए सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा समझ में आ गया आपको तो तीन प्रकार के डिफेंस सिस्टम हो गए एक बैलिस्टिक के लिए हो गया एक एंटी एयरक्राफ्ट के लिए हो गया और एक हाइपरसोनिक के लिए हो गया तो कहानी कठिन होती जाती है इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है ये मैक फाइव से ज़्यादा चल सकते हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो होती हैं वो रॉकेट या जेट से अपना लिफ्ट और प्रपोजन प्राप्त करती हैं अभी आपको बताएंगे तो हाइपरसोनिक वेपन्स यानी कि ध्वनि की, की गति से पांच गुना या उससे ज़्यादा गति पर चलने वाले वो भयंकर हथियार खतरनाक हथियार जिनसे बचाव कर पाना किसी के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे यूएस चाइना और रशिया में एक बहुत बड़ी हथियारों की दौड़ फिर से शुरू हो गई है सब सोनिक क्रूज मिसाइल ये एक क्रूज मिसाइल है पानी के बिल्कुल पास जा रही है और यह ध्वनि की गति से कम पे चल रही है सुपर सोनिक एयर टू एयर मिसाइल ये किसी विमान से फायर की गई है भयंकर जा रही है यह हमारी ब्रह्मोस भी हो सकती है हाइपरसोनिक मिसाइलें जो बस आ ही चुकी हैं मैक फाइव एन अब मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड आप देख रहे हैं दोस्तों ये आगे की तरफ आग लगी हुई है क्या आप हमें बता सकते हैं आग क्यों लगी है ये आपको दिख रहा है आगे की तरफ इस तरह से पूरा लाल पीला हो गया है ये आग लगी हुई है आग क्यों लगी है इतनी भयंकर स्पीड है इतना फ्रिक्शन पैदा हो रहा है कि वो पूरी मशीन जल रही है गर्म हो गई है तो उसमें से पूरा डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा हाइपरसोनिक हथियार खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं उस गति पे जब वो चलते हैं उनका खुद का बहुत भयंकर डैमेज होता है ये उनकी एक वीकनेस भी है हाइपरसोनिक की ये समझ में आ गया आपको आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर आई होप दिस इज टोटली क्लियर अभी तक का पूरी तरह से क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छी बात है टॉपर थर्ड रैंक का फिजिक्स ऑप्शनल था ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है यस फ्रिक्शन की वजह से ही होती है चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं तो दोस्तों अब मैंने आपसे कहा एक आर्म्स रेस शुरू हो गई है आर्म्स रेस इन्हें हथियारों की दौड़ चाइना ने अपना वेव राइडर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट चेक किया टेस्ट किया अमेरिका एस आर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना रहा है क्योंकि ओरिजिनल कहानी रूस से शुरू हुई जैसे ही रूस ने अपनी हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में बात करना शुरू की अभी हाल ही में पुतिन साहब ने पिछले हफ्ते क्या बोला कि हम हमारे पूरी नेवी में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने वाले ये तो बहुत भयंकर खबर है हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें अगर नेवी में सब तरफ हो जाएंगी तो उनके मिसयूज का या उनके रॉन्ग फायरिंग का भी खतरा उतना ही बढ़ जाएगा बेसिकली पुतिन ये मैसेज वेस्ट को दे रहे हैं कि मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस किसी ने भी मेरे साथ पंगा लिया उसे तो मैं निपटाई दूंगा की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही उनको दूसरे तरीकों से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक होता जा रहा है उस चक्कर में हो यह रहा है कि बाकी के देशों को भी डेवलप करना पड़ रहा है यह अमेरिका का एस आर सेवेंटी टू हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है इसमें प्यारे दोस्तों टर्बोजेट इंजन आगे लगा रहता है जो इनिशियल थ्रस्ट देता है जब यह प्लेन ऑफ करेगा वहां से लेके मैक थ्री तक लाने का काम टर्बोजेट करेगा सारे इंजिनों के प्रकार में आपको कल पढ़ा चुका हूं और उसके बाद रैमजेट इंजन टेक ओवर कर लेता है मैक थ्री से मैक फाइव की स्पीड पर ले जाने के लिए समझ में आया आपको तो बाद में ये स्क्रैमजेट में तब्दील हो जाता है मैक फाइव से मैक सिक्स के लिए मतलब इसमें सभी इंजन लगे हुए हैं तो ये एस आर टू की तकनीक है एक बार टर्बोजेट रैमजेट और स्क्रैमजेट को कृपया रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने पूरे चार्ट के साथ आपको दिया है एक पीडीएफ कल का पेंडिंग है कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ मैं आज पीटी ऐप पर आपको रिलीज कर दूंगा डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों तो इसमें सभी प्रकार के ये इंजन लगे हुए हैं समझ में आ गया आपको वेरी गुड हाइपरसोनिक दो प्रकार के होते हैं अच्छे से समझ लीजिएगा बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो हाइपरसोनिक क्रूज काफी हद तक कंट्रोल होगा और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक जो ग्लाइड करेगा अपने आप पांच गुना स्पीड ये चलते हैं ध्वनि की गति से यह बता दिया था हमने आपको। क्रूज मिसाइलें जो होती हैं उनमें स्क्रैमजेट इंजन लगे होते हैं एक लाख फीट से नीचे चलते हैं हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है वो एक लाख फीट से ऊपर भी यात्रा कर सकते हैं यह समझ में आ गया आपको तो ये एक लाख फीट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक समझ लीजिए अपर हाइट हो जाती है इज दैट क्लियर ऐसा क्यों क्योंकि उसके ऊपर वायुमंडल की डेंसिटी गिर जाती है तो उसको जिस तरह से अंदर एयरपुल करनी है वो उसको मिलती ही नहीं है लेकिन ग्लाइड व्हीकल को अंदर एयरपुल नहीं करनी है तो वो उसके ऊपर भी जा सकता उसको तो ग्लाइड करके नीचे आना है ये समझ में आया आपको ये एक लाख फीट की हाइट का बैरियर कहां से आया तो पहली चीज है क्रूज मिसाइल क्रूज प्रक्षेपास्त्र दूसरा है ग्लाइड वाहन तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एस आपके सामने है दोस्तों यह है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें सब तरह के ये इंजन लगे होंगे आप देख रहे हैं यह पावर्ड है हाइपरसोनिक फाइव एस uh, की स्पीड से चल सकती है और सत्तर हजार से एक लाख फीट के ऊपर नहीं जा पाएगी लेकिन जो एच है यह बहुत खतरनाक है इसे मनोवर कर सकते हैं मतलब दिशा तय कर सकते हैं और ये मैक फाइव से ज्यादा चल सकता है एक लाख फीट से ऊपर जा सकता है समझ में आ गया रूस चीन और अमेरिका इस ऑर्डर में हाइपरसोनिक हथियारों का विकास हो रहा है मजा आ रहा है आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं ये एकदम कटिंग एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कटिंग एज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं और फिर सात क्वेश्चन की मेंटी क्विज होगी तैयार रहिएगा पे प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़ाएंगे आपको तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी आया है क्या सर बनी चुका है गुरु आपके सामने ही है फ्रांस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑल्सो भी परस्यूइंग टेक्नोलॉजी ऑल दो पब्लिकली नॉट मच इज नोन अबाउट इट जपैन इज अक्वायरिंग बोस क्रैमजेट एंड बूस ग्लाइड वेपन्स और इस वजह से चीन बहुत नाराज़ हो रहा है जापान की कहानी आपको एक मिनट में फटाफट बता दूं प्यारे साथियों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान को दबा दिया था ख़त्म कर दिया था सरेंडर करवा लिया था उसके बाद अमेरिका ने जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1948 तक जापान को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक शर्त लिखी हुई थी कि जापान हमेशा एक पैसिफिक नेशन रहेगा पैसिफिस्ट नेशन रहेगा जापान की खुद की आर्मी नहीं होगी तो आज भी जापान के पास खुद की आर्मी नहीं है खुद की सेना नहीं है तो जापान के पास जो सेना है वो दरअसल सेल्फ डिफेंस फोर्स है वो आर्मी नहीं है जापान में सर्वे हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने कहा हमें सेना नहीं चाहिए हमें सेना नहीं चाहिए हमें सेना नहीं चाहिए हम देख चुके हैं कि जब सेना मजबूत होती है तो कैसा पागलपन होता है हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भुगता है हमें सेना नहीं चाहिए ये लेटेस्ट सर्वे है लेकिन आबे शिंजो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी अग्रेसिव हैं और वो धीरे धीरे जापान में सेना हो इस चीज को पुश कर रहे हैं जबकि वहां के नागरिक नहीं चाहते क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे जापान को तबाह होता हुआ देख चुके हैं लेकिन आबे शिंजो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेवी एयरफोर्स और आर्मी को काफी मजबूत करते चले जा रहे हैं जबकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इजाजत ही नहीं है ये बात कई लोगों को पता नहीं है मैंने सोचा आपको थोड़ा जियो भी पैरल में बता दू हाइपरसोनिक ट्रेवल की गति इतनी भयंकर होती है दोस्तों कि पूरा ऑब्जेक्ट अपने आप को जला डालता है बात समझ में आया क्योंकि उस स्पीड पर हीट विंड इतना ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे बच के निकल जाए यह बड़ा मुश्किल होता है इसलिए उसका डिजाइन बहुत अलग ढंग से होता है अब एक प्रॉब्लम यह आती है कि जब इस तरह से पर्यावरणीय प्रभाव पूरी तरह से ऋषिका जी उनके पास सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है मैंने बताया ना एसडीएफ सेल्फ डिफेंस फोर्स खुद को बचाने के लिए लेकिन सेना नहीं है दूसरे पे आक्रमण करने के लिए दो चीज़ें होती है ना सेना दूसरे पे आक्रमण भी तो कर सकती है तो उनके यहाँ सेना नहीं है उनके यहाँ सिर्फ एस है सेल्फ डिफेंस फोर्स ध्यान रखिएगा यह बात आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया मौसम कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी गलती सुधार दी आपने हमें बता दिया कि वो शिजो आबे सर आबे शिजो नहीं है आबे जी तक संदेश अवश्य पहुंचा देंगे चिंता मत कीजिए तो प्यारे दोस्तों धीरे धीरे हाइपरसोनिक हथियार की जो उड़ान की पूरी डायनामिक होती है ना उस वजह से ये पूरा ऑब्जेक्ट जलने लगता है और सब कुछ बदल जाता है आपको बात समझ में आ गया आई होप दिस इज क्लियर मेघा जी ये सामने पूरा हिंदी नहीं है तो क्या है ये सब कुछ है ना आपके सामने जो आपको यहां दिख रहा है ये सब मिल जाएगा पीडीएफ में ऐसा कैसा और पढ़ा तो मैं नाइन्टी परसेंट हिंदी में ही ना थोड़ी सी कोशिश करें आपको जरूर समझ में आएगा आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर चंदन यादव जी पचास सेशन हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के प्लस पर ऑलरेडी लाइव में जाइए और देख लीजिए आनंद परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लीजिए कौन रोक रहा है आपको समझ में आ गया पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको वेरी गुड माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो रशिया और चाइना की ये पूरी कहानी किस प्रकार से अमेरिका और बाकी देशों को भी मजबूर कर रही है डेवलप करने में यह मैंने आपको बता दिया हाइपरसोनिक वॉरफेयर सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट एक्स फिफ्टी वन राइडर आगे से नंबर वन एयर यहां से फोर्स होती है और कंप्रेस होती है हाइड्रोजन इंजेक्ट किया जाता है और इग्निशन होता है यहां पे कंबशन होता है और ये गैसेस बाहर निकलती है जिससे थ्रस्ट मिलता है उसी से ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड प्रोपेल होगा थ्रस्ट पीछे जाएगा मतलब ये इजेक्शन पीछे होगा तो थ्रस्ट फॉरवर्ड होगा लगे हाँ तो आपको बता देता हूं कोई भी प्लेन उड़ता कैसे है सभी बच्चे जिनको प्लेन के डायनेमिक समझने हैं एक मिनट ध्यान देंगे आपको क्लियर हो जाएगा तो ये है प्लेन इस प्लेन में इसका वजन नीचे की तरफ जाएगा तो उस वजन को बैलेंस करेगा लिफ्ट उसके एरोडायनामिक शेप से उसके इंजिनों से पैदा हुआ थ्रस्ट प्लेन को आगे लेके जाएगा तो प्लेन को पीछे धकेलेगा ड्रैग यानी वायुमंडल का घर्षण तो जब तक लिफ्ट वेट से ज्यादा है और जब तक थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा है प्लेन मस्ती में उड़ता रहेगा लेकिन जहां ये रेशियो रिवर्स हो गए तो प्लेन धड़ाम से नीचे आ जाएगा लिफ्ट शुड बी मोर देन द वेट एंड थ्रस्ट शुड बी मोर देन द ड्रैग तो प्लेन बराबर एरो डायनामिकली बैलेंस होकर उड़ता रहेगा ये समझ में आ गया आपको एक बार कॉमेंट थ्रेड में ये दोनों इक्वेशन हमें लिख के समझा दो फॉर एनी प्लेन लिफ्ट शुड बी मोर देन वेट और लिफ्ट कहां से पैदा होती है लिफ्ट पैदा होती है इसके एरोडाइन शेप से और ये जो इसके डेने होते हैं जो पंख होते हैं उनका जो आकार होता है उसपे से पूरी लिफ्ट पैदा होती है एंड द थ्रस्ट शुड बी मोर देन ड्रैग थ्रस्ट ये पूरे पूरे जो इंजन जलाते हैं ईंधन उससे थ्रस्ट पैदा होता है आगे की तरफ और वह वायुमंडल के घर्षण से लड़ता है और प्लेन को आगे ले जाता है शौर्य मिसाइल निश्चित तौर पर हाइपरसोनिक है दस मिनट में शौर्य मिसाइल पर आ रहे हैं लाइफ इज इल्यूजन सारे इल्यूजन दूर हो जाएंगे बिटाज बिल्कुल चिंता मत करो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एक बार लिख दीजिए फटाफट तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हमने इसीलिए सोचा कि लगे तो थोड़ा आपको बता दें तो एक एवरेज राइफल की जो बुलेट होती है उसकी गति देखी है मतलब अगर किसी ने आपके ऊपर राइफल की बुलेट चला दी तो यह बिल्कुल मान के चलिए कि बच पाना असंभव है 1700 मील प्रति घंटे की गति से बड़े राइफल की बुलेट चलती है एसॉल्ट राइफल से जो बुलेट निकलती है ना उसकी गति देख लीजिए 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है बचपाना असंभव है कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता है और ये बाकी के हथियार जो है मैंने आपको पैरल में इसलिए उसकी स्पीड बताने की थोड़ी सी कोशिश की है तो हाइपरसोनिक के बेनिफिट क्या हुए उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है वार्निंग एनवलॉप बहुत कम होता है वार्निंग एनवलप का मतलब होता है चेतावनी क्षेत्र दुश्मन को समझने का मौका बहुत कम मिलता है बात समझ में आई आपको तो अगर आपने अपने सुखोई विमान से या अमेरिका ने उसके किसी भी फाइटर जेट से रैमजेट हाइपरसोनिक लॉन्च किए तो उनकी रेंज और कम होगी क्योंकि वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी छोटी हो जाएगी लेकिन फिर वो वार्निंग टाइम भी उतना ही कम देगा दुश्मन को मतलब ये बेसिकली अनस्टॉपेबल वेपन्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे मोर चैलेंजिंग फायर कंट्रोल इंटरसेप्ट सोल्यूशन होता क्या है कि जब इन स्पेसिफिक हाइपरसोनिक्स को रोकना होता है इंटरसेप्ट करना यानी रोकना रेडार बहुत अच्छे चाहिए और आपके पास जो एयर डिफेंस आपने सिस्टम लगा रखा है उसकी लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए और ऑटोनोमस सीकरस होने चाहिए ये सब बहुत बहुत महंगे बहुत कठिन सिस्टम होते हैं इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के या तो आप ग्लाइडर बना लो या क्रूज मिसाइल बना लो फायदे बहुत ज्यादा हैं समझ में आ गया अब इसके चार प्रमुख ड्रॉबैक समझ लो हाइपरसोनिक में चार प्रमुख कमियां भी होती हैं दोस्तों सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है कमियां भी हैं गाइडेंस सेंसर डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूज हीट जनरेटेड इतनी हीट जनरेट होती है कि उसके अंदर जो सीकर लगा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ जाता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है आपको बात समझ में आई ना अल्टीमेटली हीट ऑलवेज डिग्रेड्स हीट जो है वो तो हमेशा हमेशा डिग्रेड करता है अब एक सवाल बहुत अच्छा है कि हमने रूस से इतने हजारों करोड़ों का एस फोर हंड्रेड ट्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है तो सर ये तो हर किसी को रोक लेगा ना सर देखिए वो बोलते तो हैं कि मल्टीपल टारगेट इंगेजमेंट एट द सेम टाइम हम लोग कर लेंगे लेकिन वो तो एक्चुअल युद्ध जब तक नहीं होगा तब तक कैसे होगा दोस्तों मैं आपको एक बहुत सरल सी तकनीक बताता हूं देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए जब कोई बड़ा सा विमान आता है तो उस विमान में एंटी मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं यह मालूम है ना आपको तो मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति का एयर फोर्स वन ये प्लेन का नाम मालूम है ना आपको बहुत बड़ा जम्बो जेट है बोइंग का वो उड़ रहा है उसमें राष्ट्रपति बैठे हैं पैरेलल में एक दूसरा जम्बो जेट भी उड़ता है साथ में दो हैं तो जब पहला उड़ता है तो प्यारे दोस्तों उसमें ऐसे सिस्टम लगे कि मानो नीचे से किसी ने मिसाइल मारी तो मिसाइल को कैसे पता चलेगा कहां जाना है मिसाइल में सीकर थर्मल सीकर अभी आपको बताऊंगा थर्मल कैमरे कैसे काम करते हैं थर्मल सीकर लगा रहता है थर्मल सीकर उस प्लेन को देखता रहता है तो राष्ट्रपति के प्लेन में क्या होगा पायलट को वार्निंग मिलेगी कि भैया अंतिम घड़ियां आ गई है जिंदगी के राम के नाम पे भजन गालो फटाफट भट, तो भगवान राम की शरण में जगह मिल जाएगी नहीं तो वो जगह भी नहीं मिलेगी और उसके पहले चाहो तो फ्लेयर्स फायर कर दो अब इसमें एंटी मिसाइल फ्लेयर्स होती हैं एंटी मिसाइल फ्लेयर में क्या होता है कि पायलट जैसी उसको फायर करेगा तो सैकड़ों आग के गोले छूटते हैं अब इनमें थर्मल सीकर लगे होते हैं मिसाइलों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको मारें तो वो किसी एक के पीछे भाग लेते प्लेन आगे निकल जाता है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग फ्लेयर्स आग के गोले निकलते हैं पूरे समझ में आए फ्लेयर्स फ्लेयर्स आग के गोले क्योंकि थर्मल सीकर को उल्लू बनाने का तरीका उसको थर्मल सीक कर दो पचास जगह थर्मल उसको दिखा दो तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा उसी तरह जब आप एक एस फोर हंड्रेड का ट्राय मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाएंगे उसको अगर उल्लू बनाना है तो सामने वाला क्या करेगा ही विल फायर मल्टीपल मिसाइल्स विथ मल्टीपल वॉर हेड्स तो अल्टीमेटली एस फोर हंड्रेड एक बार में कितनों को इंगेज कर पाता है अब सब सारा खेल उस पर हो जाएगा एक बार में वो इनकमिंग दस बीस तीस चालीस मल्टीपल रेडार कितनों को इंगेज कर पाएगा अगर उससे ज्यादा आ गए इनकमिंग इट विल बी ओवरवेल्म्ड एंड इट विल कोलैप्स आपके सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं आपको तो ये बहुत जटिल चीजें होती हैं और यह कहना कि मेरा एयर डिफेंस सिस्टम 100% परसेंट प्रूफ है ये दावा आप केवल थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कर पाओगे जब तक विश्व युद्ध तो नहीं हो जाता सब एक दूसरे को मारने पर उतारू नहीं हो जाते तब तक कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम अच्छा था और कौन सा खराब था यह पता नहीं चलेगा उसके बाद जो खराब थे वो जाके अपना रिफंड ले सकते हैं जिन्होंने बेचा हालांकि तब तक वो मर चुके होंगे तो रिफंड भी नहीं ले पाएंगे समझ में आएगा दोस्तों पूरी कहानी आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो गई मौसम कुमारी जी बेरूत में तो उनकी मूर्खता से बहुत भयानक दुर्घटना हो गई जहां स्टोरेज नहीं करना चाहिए था वहां पर उन्होंने स्टोरेज कर लिया बहुत बहुत बुरी घटना हुई है इतनी भयानक घटना है कि पूछिए मत तो आपको फंडा समझ में आ गया मैंने जो बोला तो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स वन रियली डजंट नो यू सी वन रियली Doesn't know what would happen finally. साहब जो है, से एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है सात्कृतिक पाठक बोलते हैं सर 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 क्या बात कर रहे हैं पारस बोल रहे हैं ये क्लास रोज होती है क्या हाँ पारस जी क्लास रोज होती है तीन बजे हम यहाँ प्रवचन देने आते हैं हमारे भक्तगण भी आते हैं और हम सब एक घंटा बिल्कुल ज्ञान की पूरी भक्ति में लीन हो जाते हैं आप भी आइए ना अच्छा लगेगा पकोड़े चाट वगैरह सब बटती है साथ में कॉफ़ी भी मिलती है कभी कभी बराबर आते रहना अच्छा लगेगा हमको हैं बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों अब एक स्टेप आगे चलते हैं यस yes, एप्सोलूटली लेकिन वो न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं था नहीं तो इवेपोरेट हो जाता सब कुछ और इसलिए कोई जिंदा ही नहीं बचता कोई वीडियो ही नहीं ले पाता यस और नो तो हीट जनरेशन जो होता है ना बेटा ये बहुत खतरनाक काम है टर्मिनल गाइडेंस इसी वजह से बहुत कम हो जाता है पता ही नहीं रहता फाइनली वो कहां जाने वाला है पुअर काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड वेरी इजी टू ट्रैक अब ये चीज़ समझ लो क्या होता है इनकी जो टाइटेनियम एयर फ्रेम है वो इतनी गर्म हो जाती है इनकी थर्मल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है थर्मल सिग्नेचर का मतलब होता है हम सब अगर हम कहीं भी सड़क पर भी चलते हुए जा रहे हैं तो हमारा शरीर तो गर्म है ना कई लोगों का तो दिमाग और गर्म होता तो उनमें तो हीट ज़्यादा निकलती इसलिए दिमाग को ठंडा रखा करो घर से लस्सी पी के निकला करो रोज़ है ना रात को वो बादाम पानी में डाल के सुबह निकाल के छील के खाया करो बहुत ज़रूरी पूरा हिंदुस्तान चल रहा है वो छीले हुए बादामों पे तो जब आप सड़क पे चलते हैं तो कोई थर्मल कैमरे से आपकी पूरी थर्मल सिग्नेचर बना सकता है तो इन्हें थर्मल कैमरे से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है तो अब आपको हम थोड़ा सा इन्फ्रा कैमरा के बारे में बताना चाहेंगे पढ़े भैया इन्फ्रा कैमरा के बारे में न्यू अराइवल बोल रहा है सर पीटी ऐप तो डाउनलोड कर लिया लेकिन पी तो ओपन ही नहीं हो रहा है ये तो भैया हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है बता रहे हैं तुमको उसके लिए तुमको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी भारत सरकार को और फिर वो भारत सरकार तुमको एक अनजिप यूटिलिटी देगी उसको चलाओगे तो फिर वो अनजिप हो जाएगा तो उसमें से खूबसूरत सा पीडीएफ बाहर आ जाएगा कोशिश करके देखो आज लिखो प्रधानमंत्री जी को एक एप्लीकेशन है ना मदद करेंगे वो बिल्कुल चिंता ही मत करो मान लोमोर जी आप कर रहे हैं ना इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए यार आपका प्यार बना रहे दुआओं में याद रखना तो प्यारे दोस्तों ये है चार इसकी वीकनेसेस अब आपको हम बताने वाले हैं थर्मल कैमरास इंफ्रा रेड ये देखिए ये एक इंफ्रा रेड एनर्जी को सीक करने वाला कैमरा है और अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो उसकी इमेज को ट्रांसलेट करके आपको कंप्यूटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दिखा देता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग लेवल पर हीट छोड़ते हैं और पूरी पूरी कहानी सामने आ जाती है समझ में आया आपको अब आप ये सोच रहे होंगे कि काम कैसे करते हैं तो फिर से हमारे प्यारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आ जाओ विद्युत चुंबकीय वर्ण पठ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंफ्रा रेड हीट सिग्नेचर्स की तो इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर के सभी फिजिकल पैरामीटर आपके सामने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पैदा ही होता है जब कोई भी एटम वाइब्रेट करता है हीट छोड़ता है उसपे से पूरी रेंज निकलती है इंफ्रा रेड सीकर जो हैं, वो पूरे हीट इमेज बना देते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा राइटअप दे रहा हूं आपको थर्मो कैमरा थर्मोग्राफिक कैमरा या थर्मल कैमरा क्या होता है बेटा ये इंफ्रा रेड विकिरण की मदद से यह पूरे चित्र बना लेता है तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है दोस्तों यह आपके मोबाइल का कैमरा हो गया तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है यह विजिबल लाइट की मदद से फोटो लेता है अब विजिबल लाइट बोले तो क्या बोले भैया ये रही विजिबल लाइट विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम यह रहा देख रहे ना विबग्योर स्पेक्ट्रम यह है विजिबल लाइट लेकिन इसके पीछे आओगे तो ये थर्मल लाइट हो गई तो जिस प्रकार आपका और मेरा मोबाइल का कैमरा विजिबल लाइट यूज करता है थर्मोग्राफिक कैमरा इंफ्रा रेड लाइट यूज करता है समझ में आ गया किसी को भी आप ट्रैक कर सकते हो इतना खतरनाक होता है कि बिल्डिंग के अंदर के हीट सिग्नेचर भी पढ़े जा सकते हैं यानी दीवारों के आर पार हीट सिग्नेचर आप पढ़ सकते हो यूएस ने रशिया ने ऐसे ऐसे सैटेलाइट लगा रखे हैं कि वो तो सारे हीट सिग्नेचर्स पढ़ लेते हैं बहुत एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी तो प्रैक्टिकली मैं यहां से आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इस चीज को भी अभी कैच कर सकते हैं साउंड वेव्स कैच कर सकते हैं रेडियो वेव कैच कर सकते हैं इंफ्रा बहुत एडवांस हो गया मतलब प्रिवसी नाम की कोई चीज तो बची नहीं है और सब एक दूसरे पर जासूसी करने में लगे हुए हैं ये बहुत कॉमन बात है बहुत सालों पहले से चल रहा है तो ये क्लियर हो गया ये कहां से शुरू हुआ था डिस्कशन कि भैया इनकी थर्मल सिग्नेचर ज्यादा होती है क्लियर हो गया तो भारत के केस में हम क्या बात करेंगे राजकुमार जी सैटेलाइट से तो हजारों किलोमीटर ऊपर से स्टडी किया जा रहा है सैटेलाइट में तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट जो स्पाई सैटेलाइट होते ना बेटा ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लगा दिए उसमें सरकारों ने अलग अलग कि वो तो कहां कहां से क्या क्या स्टडी कर रहे हैं पूछिए है ही मत बसंत इज हियर स्टडी टाइम बसंत इज हियर स्टडी टाइम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेटी कब शुरू होगा होगा बच्चे होगा ठंड रख होगा सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर धवल गरीब आदमी हूँ भैया ज़्यादा पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास और गरीब होने के साथ साथ कंजूस भी हूँ तो ये खरीदा था तीन साल पहले अभी तीन साल और चलाऊँगा भैया आप तुम बड़े लोगों से अब आईफोन वाले यार गरीबों पे तेरा दया दृष्टि करो यार थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भिक्षा विक्षा देते रहा करो एस एम सर टेन का कोड लगा के लगे यहाँ तो मैंने सोचा प्रमोशन भी करी दूँ यार भैया है सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं ब्रह्मोस टू पर यह है ब्रह्मोस टू ब्रह्मोस वन पर हम सारी बातें कर चुके हैं ब्रह्मोस टू नेक्स्ट लेवल का मिसाइल है दिस इज द ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सीरीज का यह दूसरा होगा जो साढ़े चार सौ किलोमीटर पहले वाले की सीमा है दो सौ नब्बे यह साढ़े चार सौ सेवन मार्क्स से जाएगा सोचिए सेवन मैक्स से अगर ब्रह्मोस आएगा तो मतलब दुश्मन को तो सिर्फ इतना बता देना कि मैंने ब्रह्मोस छोड़ दी है उसके बाद दुश्मन को कुछ करना नहीं आराम से बैठ जाओ कुछ सेकंड के लिए कुछ कर तो पाओगे ही नहीं सेवन मैक्स अगर ब्रह्मोस सारी है तो मतलब उठ के भागोगे वहां तक तब तक तो वो आ जाएगी तो उससे तो अच्छा जाते जाते अंतिम क्षणों में इस तरह से लेट जाओ और जिस किसी को भी याद करना है कर लो बछटते सामने वाला फ़ोन लगा के बता दे कि मैंने ब्रह्मोस छोड़ी तेरे ऊपर तो फिर अगर हो तो भैया मेरी तो सिंपल एडवाइस है ज़्यादा फिर फाइट मत मारना शांति से बैठो और एन्जॉय करो क्रू स्टेज में द मिसाइल विल बी प्रोपेल्ड बाय स्क्रैम जेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन इनिशियली तो इसमें सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगा होता बताया था हमने आपको और वो गति पर आ जाए सुपरसोनिक पर उसके बाद स्क्रैम जेट शुरू हो जाता है आईसी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप आई की बात करते हैं तो स्वामी राय बोलते हैं आपके हाथी के दांत हैं खाने के और दिखाने के और अच्छा तेरे को बहुत पता है मेरे बारे में है बहुत जानकारी है तेरे को मेरी और क्या क्या पता है तेरे को जरा बता है? एन आई सी स्ट्राइक का टारगेट विदिन टेन थाउजेंड किलोमीटर रेंज इन जस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स ये कल हमने आपको इंटर कॉन्टीनेंटल बेलिस्टिक मिसाइलों के बारे में बताया था याद आ रहा है शिवानी बोलती सर आपको गर्मी नहीं लग रही तो शिवानी से मेरा प्रति प्रश्न है शिवानी आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाई के अलावा सारे काम करवा लो सर वेंटिकब होगी सर आपको गर्मी नहीं लग रही सर आपके हा, आपके हाथी के खाने के दिखा, दिखाने के अलग सर ये सर वो मतलब पढ़ाई के अलावा भारत के युवा वर्ग से सब करवा लो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है भैया भारत का वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रेटर देन द दे रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तुम्हारे नाजुक कंधों पे पूरे देश का वजन है क्या कर रहे हो यार तुम लोग तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है प्यारे दोस्तों ये जाता है दस हज़ार किलोमीटर तीस से पैंतीस मिनट में बात समझ में आया आपको तीस से पैंतीस मिनट में पहुंच जाता है और ये बहुत खतरनाक है समझ में आया आपको टर्मिनल स्पीड है पांच से छह किलोमीटर प्रति सेकंड और इसीलिए जितने भी हम ये सिस्टम्स खरीद रहे हैं ना दुनिया भर से उसमें बेसिकली हमें यही चाहिए कि वो इस तरह के स्पीड के सिस्टम को पकड़ ले मिसाइलों को पकड़ ले डर सिर्फ एक है अगर ओवरवेल्म हो गए तो क्या ओवरवेल्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूं प्रेसिडेंट के प्लेन पर मिसाइल गई तो वो आग के शोले छोड़ेगा फ्लेयर्स छोड़ेगा ओवरवेलम कर देगा सामने वाले को तो अगर हमारे एस फोर हंड्रेड जो हमने लगा रखा है जैसे टर्की ने एस थ्री हंड्रेड लगा रखा हमने लगा और उसके ऊपर अगर किसी ने पचास मिसाइलें एक साथ छोड़ दी तो वो ओवरवेलम हो जाएगा उसके बाद वो ठंडा पड़ जाएगा उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा तो हर सिस्टम की एक सीमा होती है कहने का मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजीज में मान के चलिएगा शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है और बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को ठंडा कर देने का कोई ना कोई सरल तरीका कॉमन सेंसिकल तरीका ब्रूट फोर्स तरीका हमेशा होता है इसीलिए ये एक रेस है ये एक दौड़ है दौड़ दना दन दौड़ एक भागा दूसरा भागा तीसरा भागा सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए और कोई भी परमानेंट विजेता नहीं है इस खेल में ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ के चलना यस और नो पूरी तरह से क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मौसम कुमारी जी टाइम ट्रेवल कोई नहीं कर सकता अभी तक किसी ने नहीं किया आप ऐसे किसी को जानते हो तो हमें भी मिलवाओ अब आप एक बहुत ही डेंजरस मिसाइल के बारे में जान लीजिए हमने आपको बताया क्रूज मिसाइलों में ये जैसे ही हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है अल्टीमेटली इसकी रेंज साढ़े चार सौ किलोमीटर आपको ये आपको बोले कि एक काम करो यार ब्रह्मोस को ना पृथ्वी के पचास चक्कर लगवाने ऐसे गोल 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 आप बोलोगे यार भाई साहब साढ़े चार सौ ही जाएगा यार ये नहीं नहीं हमको तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगवाना है तो क्या सरकम फरन से बेटा पृथ्वी का बताओ मेरे को एक चक्कर में कितने किलोमीटर जाएगा ऐसे दस चक्कर लगाने हैं तो अगर किसी ने आपसे ये मांग रख दी तो फिर आपको एक ही रास्ता है आपको कहना पड़ेगा भाई साहब अब आपको एक काम करना पड़ेगा आपको बुरे विस्तनिक मिसाइल चलानी पड़ेगी ये है रूस की मिसाइल जिसका क्या नाम है बेटा बुरे वस्तनिक मिसाइल क्या मतलब होता है ये बुरे विस्तनिक मिसाइल का बुरे विस्तनिक मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जिसके अंदर प्यारे दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के रखा हुआ है मतलब आप और हम जो भारत में बोलते हैं न्यूक्लियर पावर बन रही है सेवन गीगा की है व्लादिमीर पुतिन की सेना ने ये मिसाइल बनाई है जिसमें इस मिसाइल के अंदर पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ है समझ में आया मिसाइल के अंदर और मिसाइल का रिलेटिव स्केल इस आदमी को देख के समझ लीजिए कितना बड़ा है तो न्यूक्लियर पावर तो इनफाइनाइट पावर है वो तो आप बोलोगे तो पृथ्वी के दस चक्कर गोल 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 घूमती रहेगी आप जब तक बोलोगे क्रूज मिसाइल है तो कंट्रोल में भी रह सकती है प्रोग्रामेबल भी है सो so ये दुनिया की वो मिसाइल है बुरे विस्तनिक मिसाइल जो स्काईफॉल के नाम से भी जानी जाती है अनलिमिटेड रेंज की मिसाइल है यह बहुत खतरनाक इसमें न्यूक्लियर वेपन भी जा सकता है सामान्य थर्मल वेपन भी जा सकता है और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो अगर किसी के ऊपर बुरे विस्तनिक मिसाइल छोड़ दी गई तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा बुरे फसे। समझ में आ गया आपको बुरे आदमी ने बुरे विस्तन चला दी बुरे पूछो ही मत। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माइ डियर स्टूडेंट्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम थोड़ा पढ़ेंगे अब हम ये जितने भी अलग अलग सिस्टम समाज देख रहे हैं इतने सारे अलग अलग मिसाइल हथियार ये वो जितने भी ये नेविगेशनल एयरक्राफ्ट है समझ में आया आपको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं स्पेस क्राफ्ट हैं सबमरीन हैं शिप्स हैं अल्टीमेटली इनको चलाता कौन है इनके अंदर ऐसा कौन सा यंत्र लगा होता है जो पूरा दिशा दशा सब हमको बताता है आपको बात समझ में आई हाँ बिल्कुल है राजकुमार जी उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप बिल्कुल धोखे में मत रहिएगा बिल्कुल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं समझ में आया सो माय डियर स्टूडेंट्स है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम अब आपने पूछा है तो आपको बता देते हैं दो तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं अभी हमको सात क्वेश्चन की क्विज भी करानी है इसलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे दोस्तों एक होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन अग्नि सिक्स ऊपर गया और भुड़ूम से नीचे आया दस शहर तबाह पांच शहर तबाह दो शहर तबाह दूसरा होता है टीएनडब्ल्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये होता है युद्ध के मैदान में चलाने वाला हथियार तो जो वो टैंक में बैठा हुआ कमांडर है उसके पास हथियार होता है और उसको सामने से मौत आती दिखती है तो वो दो किलोमीटर दूर को उस हथियार को चला सकता है ये बहुत भयंकर हथियार होते हैं ये लो यील्ड होते हैं लेकिन ये फील्ड कमांडर के हाथ में होते हैं तो मतलब इनके यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये अच्छा नहीं है किसी के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बहुत डेंजरस वेपन होते हैं और उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर वो पूरी चेन ऑफ कमांड को बाईपास करके चल सकते हैं समझ में आया ना आपको एनी वे वापस यहां पर आते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसकी परिभाषा वगैरह पूरी समझ लीजिएगा और ये टिपिकली इस तरह से काम करता है एक एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं पिछले सत्तर सालों में धीरे धीरे ये एडवांस होके आया है और आज सभी मेजर एविएशन सिस्टम्स में अलग अलग इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स लगे होते हैं दोस्तों इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है मोशन सेंसर एक्सेलोरोटर जो हमारे मोबाइल फोन में भी लगे होते हैं और रोटेशन सेंसर यानी कि जायरोस्कोप्स होते हैं और यह अलग अलग तरीकों से अपनी लोकेशन को फिट करता है तो ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इससे ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं पाएंगे फिर वो फिजिक्स की पढ़ाई हो जाएगी वो हमारा आज का एजेंडा नहीं है अभी तक सेशन में मजा आया तो फटाफट जरा सेशन को लाइक कर दो भैया सेशन को शेयर कर दो और कमेंट थ्रेड में लिख दो संदीप सर जिंदाबाद करके दिखाएंगे बहुत जरूरी है क्या करके दिखाएंगे पूरी शिद्दत से पढ़ाई करके एग्जाम में सफलता हासिल करके दिखाएंगे जो बच्चे हमारे साथ आज लाइव नहीं जुड़ पाए बाद में पढ़ रहे हैं कमेंट थ्रेड में आप बिल्कुल लाइव ही समझें दोस्तों आपकी तरफ से जोश में कहीं कमी ना आए वो बहुत जरूरी है अब आते हैं शौर्य मिसाइलों पर आज क्लास की शुरुआत में किसी ने पूछा था तो हम इंतजार कर रहे थे कि शौर्य का जब समय आएगा तो अमरीश चंचल ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा सर इतने खतरनाक हथियार बन रहे हैं इनका इस्तेमाल कब कभ होगा कभी नहीं होपफुली क्योंकि होना शुरू हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं ये अपने को है क्या कर रहे हो यार गजब कर रहे हो गुरु तुम माय डियर स्टूडेंट्स एक स्टेप आगे चलते हैं मिसाइल कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है बहुत ही डेंजरस कैनिस्टर लॉन्च है मतलब कहीं भी ले जाके खड़ा कर दो उसको जंगल के बीचों बीच खड़ा कर दो मोबाइल ट्रक के ऊपर किसी को पता भी नहीं चलने वाला है शौर्य गोस्वामी आ चुके हैं शौर्य जी आपको बिल्कुल सादर प्रणाम है नाराज मत होना छूट मत जाना पता चला सरफेस टू सरफेस छूट गए आप भी और आके जाए धुड़ुम टकराया हमसे ऐसा गजब मत करना गोस्वामी बाबू यार एक अर्नब गोस्वामी गजब कर रहे हैं एक गोस्वामी गजब कर देगा तो बर्बाद ही हो जाएंगे हम तो यार भाई ऐसा मत करना है यार दादा सो माई डियर स्टूडेंट्स शौर्य मिसाइल कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सर्फेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है 7.5 पॉइंट मैक की स्पीड पकड़ लेती है शौर्य देख रहे हैं आप बहुत ही डेंजरस मिसाइल है हालांकि इसकी लिमिट कम है मतलब रेंज बहुत कम है लेकिन है बहुत खतरनाक यस और नो बायोमिमिक्री इन आर्किटेक्चर के बारे में भी बताइएगा ठीक है कभी कोशिश करेंगे बिल्कुल कोशिश करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स ये 700 किलोमीटर तक एक टन थर्मल वेपन या न्यूक्लियर वेपन लेके जाने में सक्षम है तो एक तरह से यह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बन चुका है और ये सागरिका के 15 जो हमारी पंडुब्बियों में लगी हुई है वो सागरिका घोष मैडम नहीं वो तो न्यूज एंकर थी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये सागरिका के फिफ्टीन मिसाइल की बात कर रहे हैं बहुत खतरनाक ये हमारे सबमरीन्स में कैरी होती है अंडर वाटर सागरिका के फिफ्टीन उसी का लैंड वर्जन मान लो तो शौर्य एंड सागरिका आर पैरल ये समझ में आ गया आपको बहुत बहुत डेंजरस शौर्य एंड सागरिका आर वेरी डेडली मिसाइल्स बहुत भयंकर स्पीड से चलने वाली 700 सौ साढ़े सात किलोमीटर की साढ़े सात मैक पर चलने वाली मिसाइलें हैं किसी भी शत्रु को नेस्तो नाबूद कर देने में पूरी तरह से सक्षम समझ में आ गया आपको पहले स्टेज में होगी उसके अंदर सॉलिड उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ होगा और गाइडेड मिसाइल का मतलब यही होता है कि कॉन्स्टेंटली कंट्रोलर के पास इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस उसका रहेगा उसको गाइड किया जा सकता है टू वे तो फिर उसको डिसेबल भी किया जा सकता है किसी भी चीज में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वहां पर हमेशा कोई दूसरा आपको डिसेबल भी कर सकता है यह कभी भूलिएगा मत अब क्या इसको परमिशन चाहिए लॉन्च के लिए अगर न्यूक्लियर होगा तो आइडियली हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो ऊपर सीसीएस से चलेगा वहां से परमिशन लाना जरूरी है लेकिन फील्ड कमांडर के पास जब ये जाएगी तो वो कितना परमिशन का उसके पास टाइम होगा क्या होगा ये किसी को पता नहीं है सो दैट इज समथिंग विच विल बी सीन ओनली इन केस ऑफ अ वॉर तब तक कोई क्या कमेंट करे इस पर तो प्यारे दोस्तों ये सब मिसाइलें बनी तो इनसे बचने के सिस्टम भी बन गए उन्हीं को डिफेंस सिस्टम कहा जाता है रक्षा व्यवस्था क्या काम है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐसी इनकमिंग मिसाइलें जो तीन चार पांच छह सात आठ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही है उससे अपने आप को बचाना तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिकली क्या करेगा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया रेडार होंगे सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे और कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग कर रहे हैं जहां इनकमिंग होस्टाइल प्रोजेक्टाइल दिखा तो इसके सारे के सारे कैनिस्टर्स रेज हो जाएंगे और इनके अंदर मिसाइलें होती हैं वो फायर हो जाएंगी ये मिसाइल जाके आने वाली मिसाइल से टकराएगी मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी आने वाली भयानक स्पीड से आ रही है आपको जाके उससे टकराना है मतलब कितना कठिन काम है यानी रियल टाइम गाइडेंस चाहिए और यहां से मल्टीपल मिसाइलें फायर होंगी तो आने वाली मिसाइल को कंफ्यूज भी करना है उससे टकराना भी है देखिए कोई बहुत भारी वस्तु भयंकर तेजी से आ रही तो कोई छोटी वस्तु भी टकराती है तो वो बर्बाद हो जाती है और इसलिए पूरा का पूरा खेल ही है कि उसको सही समय पर पकड़ लिया जाए अगर पकड़ने में देरी हो गई तो गए काम से और इसीलिए आजकल सैटेलाइट से नज़र रखी जाती है कि भैया फायरिंग हो उसी समय पकड़ लो तो कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं तो आप तैयारी कर सकते हो तो सैटेलाइट ऑफ स्का द कंप्लीट अर्थ कॉन्स्टेंटली बहुत एडवांस हो गया ये विज्ञान वैसे अब और रशिया इसमें काफी आगे है बहुत खतरनाक उसके पास पाए सेटेलाइट हैं से उसको सब कुछ पता चल जाता है तो अब बैदू जो नेविगेशन सिस्टम आया है चाइना का देखिए आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों चाइना और पाकिस्तान एक ही है ये अलग नहीं है पाकिस्तान चाइना का ही हिस्सा है पूरी तरह से कोई भी अगर ये सोच रहा है कि ये दो देश अलग अलग हैं तो वो नक्शे पे अलग अलग हैं स्ट्रेटेजिकली दे आर वन एंड द सेम और काराकोरम रेंज पे जाके ये दोनों की सेनाएं भी एक हो जाती हैं हमारे दौलत बेग ओल्डी के ऊपर इसीलिए वो एल लद्दाख में जो घुस के अंदर बैठ गया है चाइना और पीछे जा ही नहीं रहा है मना कर दिया उसने तो उसका मुख्य लक्ष्य है कि, कि किसी तरह ये कट कर दूं मैं इस रोड को दौलत बेग ओल्डी दारबुक शोक रोड जो है और काराकोरम में वो दोनों मिल भी जाते हैं क्योंकि चीन को डर है कि शिंजियांग से लेकर तिब्बत के हाईवे को भारत कट कर सकता है भारत का ऐसा कोई इरादा तो है नहीं लेकिन चीन को ऐसा लगता है और चीन को दूसरी बहुत सारी चीजें भी लगती हैं तो बैडू की बात थी तो जो बैडू सिस्टम लगा है ये तो पहले दिन से हंड्रेड परसेंट पाकिस्तान को ऐसा कैसा अवेलेबल हो गया है आप ये बेसिक सौ बातों की एक बात मान के चलिए कि चीन के पास आज जो जो है वो वो वैसा का वैसा पाकिस्तान के पास यूज करने के लिए उपलब्ध है तो हमारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस में इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान इट इज चाइना प्लस पाकिस्तान अवर स्ट्रेटेजिकिंकर्स नो दिस वेरी वेल और इस हिसाब से ही वो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं आपको बात समझ में आई कि नहीं माई डियर है कैन आई अपियर फॉर यूपीएससी अगर उस टैटू में लिखा हुआ है यूपीएससी जिंदाबाद यूपीएससी का चेयरमैन डबल जिंदाबाद तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ये मेरी गारंटी है बाकी तो फिर राम जाने प्यारे दोस्तों आईसीबीएम को रोकने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं जैसे एस फोर हंड्रेड ट्राइम सिस्टम अब तो ये सभी प्रकार की मिसाइलों को टैकल कर लेते हैं क्रूज वगैरह को भी लेकिन गारंटी नहीं है कि 100 परसेंट ही लेंगे ये एक हिडन सीक्रेट है किसी को पता नहीं है लेकिन फिर भी और कई देशों ने खुद का भी बना लिया है याद रखिएगा तीन तरह के होते हैं स्ट्रेटेजिक थिएटर टैक्टिकल पहला है रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक एकदम लॉन्ग रेंज आईसीपीएम मतलब अमेरिका ने रशिया के ऊपर फेंका समझ में आया आपको अमेरिका ने रशिया पे फेंका तो तो ये एकदम स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज है इससे बचने के लिए रूस ने अपना ए वन सिस्टम लगा रखा है जो पूरे मॉस्को को बचाता है यह है अमूर सिस्टम ए वन अमूर सिस्टम रूस का जो पूरे रूस को बचाएगा मतलब रूस के नर्व सेंटर को बचाएगा मतलब मॉस्को को बचाएगा बात समझ में आई कि नहीं थिएटर ये मीडियम रेंज मिसाइलों से बचाएगा तो थिएटर है ना मध्यम दूरी की मिसाइलों से बचाने वाला और टैक्टिकली बिल्कुल ही शॉर्ट रेंज की जो मिसाइलें होती हैं उससे बचाएगा डिपेंडिंग ऑन आपको खतरे का आपका परसेप्शन क्या है उस हिसाब से आप अपने सिस्टम्स तय करते हो क्लियर हो गया तो ये रशिया का मॉस्को का अमूर सिस्टम है उसमें क्या क्या लगा हुआ है हमने आपको बताया है ये एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है ये डेडली मिसाइल शील जो एस फोर हंड्रेड है ये थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत ने खरीद लिया है अमेरिका ने चाइना में तो ये बहुत पहले से ही लगा हुआ है एक बात सरल सी आप ये समझ लेना भारत ने रूस से जो जो खरीद रखा है वो सब चाइना के पास पहले से है ये मत सोचना कि रूस ने सिर्फ हमें दिया अब तो रूस पूरी तरह चीन की गोद में जाके बैठ चुका है ईरान पूरी तरह से चीन की गोद में जाके बैठ चुका है पाकिस्तान पहले दिन से चीन का दूध पीता बच्चा रहा है ये सारे देश जा चुके हैं मन में कोई भी भ्रम हो उसको निकाल दो बीस बीस तीस तीस साल के डील्स हो चुके हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रूस को उसने तेल और गैस खरीदूंगा लालच देके अपनी तरफ कर लिया 400 अरब डॉलर का ईरान को 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मतलब हवा मेघ हो गए पाकिस्तान पहले दिन से ये सारे देश पूरी तरह से चाइना की तरफ जा चुके हैं तो भारत को अपना खेल खुद खेलना है बहुत डिफिकल्ट है हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक ताकत से सारे खेल चलेंगे और हम कर भी रहे हैं हालांकि इस साल तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बट फिर भी तो ये है थिएटर एस फोर जो है और ये भी थार्ड जो साउथ कोरिया में लगाया अमेरिका ने टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस टी एच ए ए डी थार्ड समझ में आ गया ईरान ने एस थ्री हंड्रेड लगा रखा है दोस्तों जाते जाते आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा बस प्रोजेक्ट थोर और प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक अभी तक आपको मजा आया तो ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद सेशन को लाइक करो शेयर करो और प्यारे बच्चों कल हम आपको हमारे संडे 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 के स्पेशल क्लासेस फ्री उसका शेड्यूल दे देंगे फ्री 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 वो पूरा शेड्यूल आपको मिलने वाला है तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम आपके लिए जो प्लस प्रोग्राम पर लेकर आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होगा प्लस प्रोग्राम में दो कोर्सेज मेरे इस महीने आने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कल के सेशन में अभी फिलहाल सेशन को कंप्लीट करने का समय आ गया प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक सिर्फ ये नाम याद रखिएगा ग्लोबल स्ट्राइक का मतलब है अमेरिका का एक ऐसा प्लान जिसमें उसने ये सोचा था कि 60 मिनट्स के भीतर दुनिया में कहीं पर भी मैं पूरी ताकत से हमला कर दू इन सिक्सटी मिनट्स मुझे दुनिया में कहीं भी हमला करते आना चाहिए यह अमेरिका का प्लान था समझ में आया आपको और ये अमेरिका के पास पूरा का पूरा सिस्टम रेडी भी है और आज की आखिरी चीज है प्रोजेक्ट थोर तो प्रोजेक्ट थोर क्या है ये इतना भयंकर प्रोजेक्ट है जिसमें अंतरिक्ष में इस तरह के टेलीफोन पोल के जितने लंबे काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स सैटेलाइट में रखे जाएंगे अंतरिक्ष में काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट स्कीम है ये ये देख रहे हो आप जब ऊपर से ये ऐसा बम के समान नीचे आएगा देख रहे हो एक एस्टेरॉइड के जैसे नीचे आएगा टेलीफोन पोल जितने लंबे घातक काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स को ऑर्बिट में रखा जाएगा और जिस शत्रु देश को उड़ाना है उसके ऊपर धम 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 ऊपर से काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स फेंके जाएंगे मतलब कितना भयंकर होगा यह है प्रोजेक्ट थोर तो इसकी जो पूरी कल्पना है वो यही है कि काइनेटिक से मारो सामने वाले को डिस्ट्रक्टिव पावर उसकी काइनेटिक एनर्जी से आएगी और ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी एट किलोमीटर पर सेकेंड होगी और थ्री किलोमीटर पर सेकेंड एट इंपैक्ट होगी बंकर बस्टर होंगे ये बेसिकली कितना भी बड़ा कंक्रीट का बना लो उसको ये फोड़ सकता है 12 मिनट में यह कहीं भी हमला कर सकता है तो यह प्रोजेक्ट थोर है कुछ देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत बहुत डेंजरस प्रोजेक्ट है भगवान करे ये प्रोजेक्ट कभी भी फुलफिल ना हो बट दिस इज गोइंग टू बी अ डिवास्टेटिंग प्रोजेक्ट एज एंड वेन इट इज लॉन्स्ट दोस्तों अब समय आ गया है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यू करने का क्लास हमारी कंप्लीट हो गई अच्छी लगी आपको चलिए अब हम जरा हमारा मेंटीमीटर भी ऑन कर देते हैं प्यारे दोस्तों मेंटीमीटर का मीटर ऑन हो गया ओपन कर लो बच्चों कोड बता देता हूं आपको मेंटीमीटर का वैसे मैंने एम सी क्यू वन स्क्रीन पर रखा है ताकि आप पैरेलल में उसको देख लें और ये मेरा मेंटीमीटर मैंने लॉन्च कर दिया है चलिए आपको स्क्रीन पर मेंटीमीटर दिखा दूं ये रहा आज का मेंटीमीटर और अब आप सभी का मेंटीमीटर पे स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आइए जरा मेंटीमीटर को देख लें एक बार ये रहा मेंटीमीटर तो आज का कोड है फोर्टी सेवन थर्टी फोर सेवनटीन फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन मेंटी डॉट कॉम पर आ जाओ प्यारे दोस्तों फटाफट फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन पर आ जाइए फटाफट फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन पर आ जाइए दो बच्चे आ गए वाह वाह हमारी हो फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन कॉमेंट थ्रेड में यूट्यूब पर जरा ये लिख दो बेटा फटाफट हमारे लिए कॉमेंट थ्रेड में यूट्यूब पर जरा इसको लिख भी दो एक बार फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन सैतालीस चौंतीस सत्रह बाकी लोग इतनी देर क्यों लग रही है जल्दी आओ बेटा ये सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है इसलिए फटाफट सभी लोग मेंटी पर कृपया आ जाएं और मेंटी पर हमारे साथ इस कोड के साथ में जुड़ जाएं जरा जल्दी करें दोस्तों प्लीज जल्दी करें जल्दी करें फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है थोड़ी स्पीड बढ़ जाए तो आनंद की स्थिति आ जाए भैया फोर सेवन थ्री फोर वन सेवन चलिए अब हम मेंटी पर पहला क्वेश्चन ऑन कर रहे हैं दोस्तों ये हमने ऑन कर दिया है मेंटी पे पहला क्वेश्चन द क्वेश्चन इज नाउ ऑन सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट हाइपरसोनिक वेपन्स है ना यही हमारा क्वेश्चन था जल्दी से उत्तर दे दीजिए बच्चे फटाफट उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है यूट्यूब पर भी उत्तर दे रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है जोश का क्वेश्चन बरकरार रहे वन ए वन बी वन सी वन डी करके उत्तर देना बेटा आपको तो हमारे कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया आइए देखते हैं मेंटीमीटर पर सही उत्तर देने वाले बच्चे हैं 78 परसेंट आप सभी को बहुत 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 बधाइयां लख लख बधाइयां क्वेश्चन टू स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन टू को पढ़िए मेंटीमीटर थोड़ी देर बाद ऑन करूंगा इसमें गैप रहता है स्ट्रीमिंग में आपको समय मिलना चाहिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर टू इज राइट देयर ऑन द स्क्रीन हिंदी इंग्लिश दोनों में है मेंटीमीटर अभी मैंने ऑन नहीं किया है समझ दे रहा हूं आपको यूट्यूब पर ही आ जाए क्वेश्चन एक बार उसके बाद लेंगे मेंटीमीटर पे टू ए टू बी टू सी टू डी बताइएगा दोस्तों उत्तर क्या होगा अब ऑन किया है मेंटी मैंने क्वेश्चन टू आपके सामने है फटाफट उत्तर दीजिए टू ए टू बी टू सी टू डी करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन टू हेज बीन गिवन बाई फिफ्टी वन परसेंट स्टूडेंट जिनके उत्तर गलत जा रहे हैं निराश नहीं होना है इससे सीखना है कि गलती कहां हो जाती है और यह है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन हो चुका है क्वेश्चन थ्री देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए फटाफट थ्री ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी बताइएगा हमें सही उत्तर क्या लग रहा है आपको सो माई डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन थ्री मैंने मेंटी पे ऑन कर दिया है बेसिकली इन द ब्लैंक करना बी सी डी से आपको जल्दी कर दीजिए थ्री ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आज बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचा रहा हूँ आप में से उत्तर ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर पाए बेटा यही हमारा लक्ष्य है अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए घबराइए मत सब कुछ बढ़िया होगा एकदम अच्छा होगा बिल्कुल घबराना नहीं है द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय 73% थ्री परसेंट स्टूडेंट क्या बात है यार छा गए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर आ गया है देखते हैं आज के दस टॉपर कौन निकल कर आते हैं क्वेश्चन फोर आपके सामने है, अभी मेंटी पर ऑन नहीं किया है मैंने अभी नहीं किया है टाइम दे रहा हूँ एक बार यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग में आ जाए उसके बाद ही लेंगे उसके बाद ही लेंगे उसके बाद ही लेंगे अजीत अनमोल जी को बड़ा मजा आ रहा है बहुत प्यारे प्यारे ये मुझे लगा रहे हैं अच्छी बात है भैया अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है गुरु क्वेश्चन फोर आपके सामने है दोस्तों उत्तर दीजिए प्लीज मेंटी पे आ गया है क्वेश्चन क्वेश्चन फोर वेरी हैप्पी टू सी दैट फोर्टी फोर परसेंट ऑफ गॉट इट राइट आप सबको बहुत बहुत बधाई अच्छे से आज हमने पढ़ाया था कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए ध्यान रखिएगा ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर्ड क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड नंबर फाइव आ चुका है फाइव ए फाइव बी फाइव सी फाइव डी यूट्यूब पर दीजिए पूरे जोश में उत्तर तभी मजा आएगा और मेन्टी की क्विजेज आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं मुझे ये बताते चलिए दोस्तों क्योंकि आगे फिर मुझे लाते रहना है नहीं ये मुझे देखना है आपका अगर अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा तो ये आगे आती रहेंगी नहीं तो फिर हमें इसे बंद करना पड़ेगा इसलिए पार्टिसिपेशन तुम्हारा ही है भैया जो कुछ है तो इसका सही उत्तर देने वाले हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स में एट्टी वन परसेंट हैेडिट बताइय भैया क्या बात है फोड़ रहे हो तुम लोग तो बुरी तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स आ चुका है सामने और एक मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी कल तीन बजे इकोनॉमी क्रैकर के साथ मिलेंगे आना मत भूलिएगा बराबर जुड़िएगा हमारे साथ में अगला क्वेश्चन मेंटी पे ऑन कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है एंड दी करेक्ट आंसर वॉज गिवन बाई फोर्टी एट परसेंट देखिए सरल नहीं होता है मतलब इतना ईजी दिखने के बावजूद गलतियां होती है क्वेश्चन सेवन आज का आखिरी सवाल आपके सामने है हमारे दस टॉपर निकल आएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन मैंने थोड़े ईजी की साइड ही रखे हैं आज ताकि बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप हो जाए डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आगे मैराथन सेशन लाऊंगा आपके लिए खतरनाक वाला उसमें पूरे सैकड़ों क्वेश्चन कराऊंगा मैराथन सेशन चाहिए आपको बिल्कुल लेकर आएंगे आपके लिए बहुत बहुत खुशी होगी हमें ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने स्क्रीन पर और इसी के साथ आज की क्विज हमारी अब समाप्त हो गई है दोस्तों फटाफट आंसर दे दीजिए तो हमारे टॉपर सामने आ जाए सबके आज के हमारे दस टॉपर्स हैं कौन है भैया तो इसका जवाब तो देने वालों में हमारे सामने 57 परसेंट बच्चे गलत दे गए 32 परसेंट सही दे गए और आज के हमारे दस टॉपर हैं दस टॉपर हैं दस टॉपर हैं वैभव माली पवनदीप रोहित अनूप नवीन श्रेय नितिश सेलपार आयुष राहुल रश्मि शर्मा बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को अब हम समाप्त कर रहे हैं आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया इसी के साथ अब हम आपसे कल मिलेंगे दोपहर को तीन बजे नमस्ते जय हिंद